हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे फिर से आपका स्वागत है आप लोगों। तो आज दिखेंगे सैमसंग M20 मॉडल है ये। तो इसमें डिस्प्ले चेंज करेंगे। डिस्प्ले आप लोग देखिए कैसे इसमें थोड़ा है कस्टमर, तो इसको कम्प्लीटली मैं चेंज करके दिखाएंगे आप लोगों को कैसे मैं चेंज कर रहा हूँ, कैसे चेंज होता है। तो पूरा वीडियो देखिए पूरा तक, आप लोग जान पाएंगे कैसे डिस्प्ले चेंज होता है, कैसे डिस्प्ले चेंज करता है। तो पहले मैं इसको सिम ट्रे को खोलने का लिया, उसके बाद जो बैक पैनल है बैक पैनल खोल रहा हूँ। बैक पैनल खुलने का टाइम एक बार ध्यान रखिएगा, पीछे में जो फिंगरप्रिंट है ना वो आराम से खुलेगा उसका, क्योंकि फिंगरप्रिंट का पत्ता थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो कट जाएगा। ऑलरेडी इसमें कटा हुआ था वो इसीलिए, लेकिन ये मैं नहीं कटा हूँ, ये ऑलरेडी पहले ही कटा हुआ था। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर गलती से जल्दी से इसको बैक पैनल खुलेगा तो ऐसे ही पत्ता कटा हो जाएगा, ऐसे पत्ता कट जाएगा तो आप लोग बाद में मुश्किल में पड़ेगा, फिर से एक तो कस्टमर को बोलना होगा पत्ता कट गया चेंज करना होगा उधर उधर जो भी है। लेकिन एक एक बार बैक प्रिंट खुलने का टाइम आराम से इसको खुलिए, क्योंकि ये फिंगर प्रिंट आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। तो मैं इसको स्क्रू खुल के जो प्लास्टिक कवर था वो निकल लिया, उसके बाद जो डिस्प्ले पत्ता है ये डिस्प्ले पत्ता खोल लिया। अभी जो टूटा हुआ डिस्प्ले है, ब्रोकन डिस्प्ले, तो इसको मैं अभी चेंज करेंगे, इसको पहले मैं खोल लेता हूँ। तो ये खोलने का टाइम आप लोग कहीं भी उधर से खोल सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम। तो इसको मैं अभी खोल लेता हूँ, ये ग्लास बहुत खतरनाक होता है, आप लोग अगर ग्लव्स पहन के खोलेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो इसमें अभी मैं ग्लव्स नहीं पहना हूँ, लेकिन खोल लेता हूँ कोई भी। तो इसको मैं डिस्प्ले को आराम से इसको निकल लेता हूँ, उसके बाद जो नया वाला डिस्प्ले है वो यहाँ पे मैं बैठाएंगे। और डिस्प्ले मेरे पास जो डिस्प्ले है वो क्वालिटी बहुत अच्छा क्वालिटी का है। तो ये है पुराना वाला डिस्प्ले, टूटा हुआ कैसे टूटा है आप लोग तो देख पा रहे हैं। तो इसको मैं अभी निकल लिया, इसको साइड में आराम से इसको साफ करके मैं ग्लो लगा के नया वाला LCD बैठाएंगे। तो ये अभी देखिए आप लोग, तो पीछे में बैक पैनल तो पहले ही खोल लिया था, तो अभी ये डिस्प्ले देखिए सेम टू सेम है, क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो इसमें ये SK कंपनी का ही डिस्प्ले, डायमंड क्वालिटी। तो इसमें अभी ये वाला डिस्प्ले में बैठाएंगे, ऑन करके दिखाएंगे जो डिस्प्ले क्वालिटी, लाइट ब्राइटनेस कैसा है, बहुत अच्छे क्वालिटी का डिस्प्ले है। तो ये अभी साइड में ग्लो लगा के मैं इसको डिस्प्ले बैठा रहा हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कैसे मैं डिस्प्ले इसमें चेंज कर रहा हूँ, कैसे बैक पैनल खुला हो, कैसे इसको रिपेयरिंग कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों के पास ऐसे मोबाइल आए तो कैसे रिपेयरिंग करना है, कैसे इसको ओपन करना है मोबाइल को, तो ये सब आप लोग जरूर सीख पा रहे हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो देखकर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक में एक बार डिसलाइक भी डाल सकते हैं। तो इसको मैं डिस्प्ले यहाँ पर बैठा रहूँ। अगर आप लोग मोबाइल रिपेयरिंग के लिए अगर कोई भी मेरे को जानकारी जानना चाहते हैं, कोई रिपेयरिंग कोई प्रॉब्लम कुछ, तो मेरे को कमेंट कीजिए। तो इसको मैं अभी डिस्प्ले पत्ता को लगा रहा हूँ, आगे इसको ऑन करके मैं दिखाएंगे कैसे डिस्प्ले क्वालिटी है। अगर कोई डिस्प्ले चेंज करना चाहते हैं, कोई भी मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एड्रेस जाएगा दुकान का, तो आप लोग आकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे को, मेरे पास से मोबाइल रिपेयरिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे से मोबाइल रिपेयरिंग होता है। तो देखिए M20 सैमसंग गैलेक्सी M20 क्वालिटी देखिए आप लोग, कितना अच्छा क्वालिटी का है डिस्प्ले का, देखिए पूरा ओरिजिनल जैसी क्वालिटी है। तो इसमें मैं अभी कम्प्लीटली सेट कर लेता हूँ स्क्रू लगा के। तो ये वाला मोबाइल कम्प्लीटली मैं कैसे ओपन किया, कैसे रिपेयरिंग किया आप लोग देखा है फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर आप लोगों को कोई रिपेयरिंग करना भी है तो मेरे को कॉन्टेक्ट कीजिए जरूर, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए जरूर, मैं जरूर आप लोगों को सहायता करेंगे। तो इसमें कम्प्लीटली मैं सेट कर लिया, देखिए मोबाइल का जो प्रॉब्लम था टूटा हुआ डिस्प्ले, तो इसको कम्प्लीटली मैं चेंज किया, चेंज भी हो गया कम्प्लीटली। तो थैंक यू फ्रेंड मेरा वीडियो।